आपके हिसाब से एक अंधा आदमी अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है? सड़क पार करने में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयां तो चढ़ सकता है ना। क्रिकेट ना खेल सकता हो, लेकिन सचिन के साथ फ़ोटो तो खिंचा सकता है ना। दाल और सब्जी पहचानने में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन अपना पेट और मन भर के अपना मनपसंद का खाना तो खा सकता है ना। कभी इस कुर्सी से टकराना, कभी उस आदमी से, कभी इस गली में खो जाना, कभी उस अनजान कमरे में। रोज़ की छोटी मोटी तकलीफ़ों से दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन अपना जीवन खुल के तो जी सकते हैं ना। मैं अमरजीत सिंह चावला, 13 साल की उम्र में मुझे मैकुलर डिजनरेशन डिटेक्ट हुआ और पता चला कि अपने जीवन के आखिरी साल मुझे अंधेरे में गुजारने पड़ सकते हैं। यहाँ वहाँ ठोकरें खाते हुए एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी का इलाज कराने के बावजूद नतीजा टोटल ब्लाइंडनेस। थैंकफुली इसी बीच मैं एक लड़की से टकराया और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। खुश नसीबी से आज वो मेरी जीवन साथी है और मेरे हर सुख दुख में, हर कार्य में वो दिल खोल के मेरा सपोर्ट करती है। इंसान अगर मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो ब्लाइंड हो, डिसेबल्ड हो, इट डजंट मैटर। 13 साल पहले 48 साल की उम्र में मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन की 6 किलोमीटर ड्रीम रन दौड़ी। आज मेरी उम्र 61 साल है और ऑल ओवर इंडिया मैं 61 हाफ मैराथन दौड़ चुका हूँ और स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन के 2017 के एडिशन में मेरी 62वीं हाफ मैराथन होगी। मैं अपने जीवन के अच्छे पलों की तस्वीर तो नहीं देख सकता, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में उसकी छवि बसी हुई है। दौड़ना मुझे अपने जीवन के अच्छे पलों की याद दिलाता है। इसी वजह से मैं अपने आने वाले दिनों में कम से कम 50 मैराथन और दौड़ने की इच्छा रखता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।